चैप्टर टू है ये द डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। पहला सवाल है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसमें ए है 300 और इफ के साथ दिया है ए यदि 400 से बड़ा हो या बराबर हो। 300 400 से बराबर, 400 से बड़ा है क्या? देखिए नहीं। अगर ये सत्य हुआ तो ये चलेगा, ये अगर गलत हुआ तो ये चलेगा। तो आपको सी में क्या मिलना चाहिए? देखिए यहां पर पहली चीज तो आपने बी को इनिशियलाइज नहीं किया और ये लाइन भी नहीं चली क्योंकि ये कंडीशन ये वाली फेल हो गई, तो ये लाइन तो चलेगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सी आपका 200 आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बी का क्या होगा? बी तो आपने इनिशियलाइज नहीं किया और बी को ये वैल्यू भी नहीं असाइन हुई, ये लाइन चली ही नहीं, तो बी में कोई भी वैल्यू आ सकती है, गार्बेज वैल्यू आएगी, उसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। जो वैल्यू हमारे मतलब की नहीं होती है, जिससे हमारा सरोकार नहीं है, जो हम नहीं लाना चाहते, और कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए उसे हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। यहां पर देखें ए ग्रेटर देन इक्वल टू 400, ए में 500 है। 500 क्या 400 से बड़ा या बराबर है? बिल्कुल सत्य है, यानी कि ये ट्रू कंडीशन हो गई। इसका मतलब ये लाइन चलेगी, बी 300 होगा, ए 500 है, बी 300 हो गया, और सी इस इफ से कोई रिलेशन नहीं है सी का, क्योंकि इफ का मतलब ये है कि उसके बाद की लाइन चलेगी, तो सी 200 आएगा, तो क्या क्या आएगा? 300 200। एक्स 10 है, वाई 20 है। आप चेक कराना चाहते हैं एक्स बराबर वाई है क्या? 10 और 20 बराबर नहीं है, मतलब ये केस फॉल्स हो गया। पर इसमें एक सवाल उठता है कि यहां पर सेमीकोलन भी है आपके पास। सेमीकोलन मतलब ये लाइन यहां खत्म हो गई, अब इस प्रिंट एफ का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आने वाला है? एक्स 10 ही आएगा, वाई 20 ही आएगा, क्योंकि एक्स 10 और वाई 20 आपने इनिशियलाइज कर रखा। एक्स 3 है, वाई 5 है। आपने कहा यदि एक्स 3 है, एक्स को 3 से मैच कराया, तो एक्स 3 से मैच कराया, एक्स तो 3 है ही ऑलरेडी, 3 = 3, तो ये एक्स प्रिंट होगा, ये एक्स 3 प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको सबसे पहले 3 दिखेगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मसला ये है कि else के बाद आप कुछ नहीं प्रिंट कराना चाहते, आप केवल यहाँ पर सेमीकॉलन दे दिया आपने, else के बाद खाली लाइन है, यानी कि null स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। उसके बाद आपने कहा प्रिंट y, तो y प्रिंट हो जाएगा, होना चाहिए, उत्तर इसका 3 आएगा else के बाद। यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप प्रिंट f इस पर्टिकुलर सेमीकॉलन के बाद, ये अपने आप चलेगा, else कंडीशन के बाद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये लाइन आपकी ये वाली लाइन प्रिंट एफ परसेंट डी वाई ऑलरेडी दी हुई है, तो इसके बाद आपका प्रिंट होगा 5। तो यहां पर 3 प्रिंट हो जाएगा इसके लिए, x इक्वल टू 3, ये लाइन चलेगी, else के बाद कुछ नहीं होगा, मतलब else कंडीशन का वेस्ट हो गया बेसिकली। उसके बाद एक प्रिंट लाइन यहां पर ऑलरेडी है, और ये प्रिंट लाइन ये अपने आप चलेगी क्योंकि ये इससे अब अलग हो गई, तो y यहां पर 5 आएगा, 3 और 5 आएगा इसका। x 3 है, y आपका 3.0 है। आप चेक कराना चाहते हैं क्या x और y इक्वल है? अब ये एक बड़ा सवाल है, ये सवाल बड़ा दिमाग में आता है कि आप 3 को तो 3 बता सकते हैं, क्या 3 और 3.0 भी बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? इसका उत्तर क्या आने वाला है? 3 और 3.0, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल है, इसीलिए एक्स और वाई बराबर है। चाहे इनकी जब हम कन्वर्जन भी करते हैं ना, तो लोअर वैल्यू जो होती है अपर वैल्यू में जाती है, यानी 3 ये वाला 3.0 में कन्वर्ट होगा, फिर ये दोनों चेक होंगे, उसके बाद ये लाइन चलेगी, यानी कि आपका एक्स एंड वाई इक्वल आएगा। एक्स 3 है, वाई और जेड आपने असाइन किया 10 को एक्स और वाई में, तो वाई में 10 आ गया, एक्स में 10 आ गया। अभी मैं क्या ऐसे जो दिख रहा है वो कर रहा हूं, इसका उत्तर मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसीलिए दिए गए हैं कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है इनमें, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो अभी जो दिख रहा है वैसे कर लेंगे। y इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू 10 है, राइट, ये पहली चीज आ गई यहां से। उसके बाद हमने कहा z इज इक्वल टू x लेस देन 10, तो z x लेस देन 10, क्या 3 ये जो x है आपने असाइन किया 10, क्या 10 लेस देन 10 है? नहीं, तो z को क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अब देखिए, अब y और x को तो 10 असाइन हुआ है, तो y की जगह तो आप मतलब x की जगह 3 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x की जगह आप 10 भी कर दिया, तो x की जगह यहाँ 10 आना चाहिए, अभी फिलहाल 10 आना चाहिए, अभी इसको देखते हैं क्या आएगा। y की जगह आप देखिए, y को भी 10 असाइन हुआ है, यहाँ भी 10 आना चाहिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। z को आप असाइन कर रहे हैं x लेस देन 10, यानी यहाँ पर ट्रू या फॉल्स आना चाहिए, तो z में क्या आएगा? तो 10 यहाँ पर, क्योंकि ये फॉल्स हो गई कंडीशन, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, और हमेशा c में फॉल्स का मतलब है 0, ट्रू का मतलब है 0 के अलावा कुछ भी, कोई भी वैल्यू हो, जो भी आप सोच सकते हो नंबर्स के मामले में, 0 के अलावा हर चीज ट्रू होती है, क्योंकि यहाँ फॉल्स कंडीशन है, तो z को 0 मिलेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। K 35 है, आपने कहा कि क्या k इज इक्वल टू 35 है, क्या k 35 के बराबर है? बिल्कुल सही है, ट्रू, परसेंट डी में ट्रू आएगा। फिर अगले वाले में आपने कहा k इक्वल टू 50, k को 50 असाइन किया, k को 50 असाइन किया। फिर अगले वाले में आपने कहा k क्या 40 से बड़ा है, 35 क्या 40 से बड़ा है? नहीं, तो यहाँ फॉल्स आएगा, यहाँ k यहाँ ट्रू आएगा, यहाँ फॉल्स आएगा, और बीच वाले में k इक्वल टू 50 में 50 असाइन हो गया, तो क्या क्या आएगा आपका? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि k
ये फॉल्स में तो खैर जीरो हो गया, लेकिन k इक्वल टू 35, ये आपका k इज एक्चुअली इक्वल टू 35 ट्रू है। ट्रू में क्या वैल्यू आएगी? आपको ये पता है कि मैं 35 दे रहा हूं और मैं इक्वल टू कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर बराबर मतलब 1 आना चाहिए, लेकिन फिर भी यहां जीरो आएगा। यहां k इक्वल टू 50 है, तो खैर 50 k को असाइन किया तो k 50 वैल्यू देगा, ये आपका जीरो आएगा। यहां पर आपकी वैल्यू आएगी जीरो। ध्यान रखिएगा, जब आप असाइनमेंट ये एक इक्वालिटी ऑपरेटर दे रहे हैं और वो सत्य आ रहा है, तो क्योंकि जीरो के अलावा सब सत्य होता है, लेकिन जीरो के अलावा सभी सत्य होता है, तो इतनी सारी वैल्यू में क्या दिया जाएगा? आप एक्सपेक्ट कर सकते थे यहां 1, लेकिन यहां अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो जीरो। पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। क्या एरर्स है इसमें? ए को आपने ये असाइन किया, बी को ये असाइन किया, आपने ए इक्वल टू बी किया, लेकिन यहां पर ए इक्वल टू बी क्या किया आपने? ये तो डबल इज इक्वल टू होना चाहिए, असाइनमेंट किया आपने बेसिकली। ए और बी को असाइन किया, यानी कि बी की वैल्यू ए को असाइन हो गई। अब बी की वैल्यू आपको मिल, जो बी की वैल्यू होगी वो ए को मिल गई, यानी कि 12.52 अब ए के पास आ जाएगी। तो ये जो कंपैरिजन है और ये असाइनमेंट है, ये एरर आपका आ रहा है। इसमें क्या एरर है? जे 10 है, के 12 है। यदि के ग्रेटर देन इक्वल टू जे है, यानी कि 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, क्या 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है? बिल्कुल सत्य है, कोई इसमें शंका नहीं है, 12 बड़ा है जे से। और फिर इसके आप अंदर आए, आपने कहा k इक्वल टू जे, यानी कि k की जो वैल्यू है उसमें जे असाइन कर दिया, यानी कि k के पास क्या आ गई? जे की वैल्यू, यानी k के पास 10 आ गया। और फिर आपने क्या किया, 10 की ये इसकी वैल्यू उठा के फिर जे में डाल दी, तो जे के पास भी 10 आ गया। ये हुआ, इसमें हुआ क्या, एक देखिएगा आप, यहां पर एरर कुछ भी नहीं है, कोई भी एरर नहीं दिख रही है, ये ब्रेसेस भी मैच्ड है, ये से मैच्ड है, ये से मैच्ड है, ये से मैच्ड है। आप कैसे भी कर सकते हैं प्रोग्राम का, मतलब ये नहीं है कि कोई रिजल्ट आ रहा है उसमें, कुछ भी हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। ये आपका आपका सेल्फ प्रोक्लेमेशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम ये बता रहा है कि केवल असाइनमेंट हो सकता है ये आगे चल के आपको कोई रिजल्ट दे या आप कहीं यूज करें। फिलहाल अभी इसमें कोई एरर नहीं। इफ कैपिटल एक्स लेस देन स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स लेस देन स्मॉल एक्स आपको प्रिंट करना है। देखिए ये इसकी जो वैल्यू है ना एक्स और एक्स की, ये एस की वैल्यू कंपेयर होगी, इनके एक नंबर होते हैं और वो एस की वैल्यू कंपेयर होगी, और आपको आप प्रिंट कर रहे हैं एस की वैल्यू एक्स इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एक्स। अब एरर इसमें कुछ भी नहीं है, आप एस की वैल्यू से कंपेयर करा सकते हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं है, सब सही है। इसमें कोई वैल्यू आएगी, इसमें क्या वैल्यू आएगी, नंबर आएंगे बेसिकली एस की वैल्यू, और एस की वैल्यू अगर कंपेयर हो रही है, और ये क्योंकि कैरेक्टर है, और जब जैसे ही आप कैरेक्टर के आगे लगा दे तो इसकी एस की वैल्यू, जैसे जैसे मैंने कहा ए, एक ऐसे कर दिया, तो ये जो वैल्यू है इसका नंबर आएगा। तो नंबर तो आराम से आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं उसमें। यहां पर है एक्स इक्वल टू 10, आपने कहा क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल 2 है। ये देन कहां से आया, इफ कंस्ट्रक्ट में सी में देन कहां से आया, तो इसमें देन आप यूज नहीं कर सकते, बाकी तो इसको छोड़िए, देन तो अलाउड मतलब देन अलाउड क्या, देन दिया ही नहीं हुआ है, देन है ही नहीं कुछ सी में। अब अगला है एक्स आपका 10 है, आपने कहा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये ब्रैकेट कहां गया, वेयर इज द ब्रैकेट, बगैर ब्रैकेट के काम नहीं चलेगा सी में, ये आपको सिंटेक्स एरर दे देगा। तो बाकी तो छोड़िए, यहां तो राउंड ब्रैकेट ही या पैरेंथेसिस ही चले गए, पैरेंथेसिस के दिए बगैर ये आगे नहीं बढ़ेगा। एक्स इक्वल टू 10 है, वाई इक्वल टू 15 है, आपने कहा एक्स मॉड्यूलो 2, और ये असाइनमेंट किया है यहाँ पर, देखिए इक्वल नहीं किया। इसके अंदर आप असाइनमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप असाइनमेंट नहीं रख सकते, लेकिन यहां पर यह है कि आपको ये असाइनमेंट लेना की जगह आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। इज इक्वल टू ये असाइनमेंट होता है, बाएं दाएं हाथ की चीज बाएं हाथ को दे दी जाती है, इज इक्वल टू में बाएं हाथ की चीज दाएं हाथ से कंपेयर की जाती है, फिर रिजल्ट आता है ट्रू या फॉल्स, और इसके अंदर आपको ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट चाहिए होता है, इफ के अंदर जो कंडीशन होती है। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, यदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किसी आइटम के, उसको इनपुट करना कीबोर्ड से, आपको प्रोग्राम लिखना है कि जो सेलर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये भी बताना है कितना प्रॉफिट इनको मिला और कितना लॉस इन्होंने इनकर किया। तो प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर एक कमेंट लिखेंगे और उसके बाद कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, stdio.h और conio.h को इंक्लूड कराएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, पी और एल प्रॉफिट के लिए। इसको अगर PROF या LOSS करते तो ज्यादा अच्छा रहता, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता। अब ये पी और एल आगे एक हफ्ते बाद आएंगे तो समझ में नहीं आएगा पी और एल क्या है। क्लियर स्क्रीन करेंगे, conio.h के तहत सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एंटर कराएंगे, सीपी में कॉस्ट प्राइस देंगे, एसपी में सेलिंग प्राइस देंगे। हम जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, हम ये इसलिए हम यहाँ पर एक कमेंट में यहाँ फॉर्मूला भी लिख देंगे, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में खरीदा जितने में बेचा उन दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। और लॉस क्या होता है, लॉस ये होता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, यानी आपने 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेचा तो 20 रुपए का लॉस हो गया ना आपको, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। जो प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ पर एल ओ पी निकाल लिया हमने, अब चेक करते हैं, पी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट है,
पी यहां प्रिंट कर देंगे। अगर एल ग्रेटर देन जीरो है तो आप बोलेंगे लॉस है, ये इसको प्रिंट कर देंगे। यदि पी इक्वल टू जीरो है यानी कि कोई पी जीरो आ रहा है ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो आप यहां कह देंगे नो लॉस, देयर इज नो लॉस इन प्रॉफिट। फिर आप बाहर आ जाएंगे गेट सीएच करके। एक इंटीजर को इनपुट करना है कीबोर्ड से, एक प्रोग्राम लिखना है कि क्या ये ऑड है क्या ये इवन है। तो ऑड और इवन हम मॉड्यूलो से चेक करा सकते हैं। कोई भी नंबर अगर आप देखिए, जैसे मैंने कहा 1/2, आपको दिख रहा है कि इसका वैल्यू जो होगी 1/2। अगर इसका मैं मॉड्यूलो लू, जैसे मैं आपको कहता हूँ 3/2, मैं आपको कहता हूँ 7/2, ये सारे ऑड है, मैं इसको करके देखता हूँ 2, 7, 2, 3 = 6, बचा 1, एक हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर रिमाइंडर एक आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ऑड है। अब जरा इसको ही थोड़ा सा इससे करते हैं 6 से 2, अब 2 को 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2, 3 = 6, बचा 0। तो अगर रिमाइंडर 1 आ गया यानी मॉड्यूलो 1 आ गया, मॉड्यूलो क्या देता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑड है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इवन है। यही हम काम करेंगे, प्रोग्राम इस तरीके से लिखेंगे, एक कमेंट लिखेंगे बहुत बढ़िया सा जिससे प्रोग्राम समझ में आ जाए। stdio.h, conio.h इंक्लूड करेंगे, एन लेंगे जो एन यूजर इनपुट करने वाला है, क्लियर स्क्रीन कर देंगे, एंटर एनी नंबर प्रिंट ऑफ कराएंगे और एम्परसेंड एन में यानी कि एन में हम ले लेंगे। एन जो है वो एक जगह है जिसका नाम एन है मेमोरी में, और इसके अंदर हम वो नंबर लेने वाले हैं जो यूजर डालेगा, क्योंकि परसेंट डी है, इंटीजर दिया है इसलिए परसेंट डी किया हमने। अब हम क्या करेंगे, सिंपल केवल इफ में एन मॉड्यूलर 2 चेक करा लेंगे। जो मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताया वही करना है, जो नंबर आएगा उसको मॉड्यूलस 2 देख लीजिएगा। अगर ये 0 है, इक्वल टू 0 है, तब हम ये कहेंगे इवन है। इसके अलावा अगर 1 आता है उसको छोड़ दीजिए, 1 चेक कराने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सीधा एल्स में डाल सकते। अगर मॉड्यूलर 2 0 है तो कहेंगे इवन है, नहीं तो ऑड है, बाहर आ जाइए। एनी ईयर इज इनपुट थ्रू दी कीबोर्ड, आपको बताना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर मैं आपको प्रोग्राम से बताता हूं ताकि आप समझ जाए, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो चीज हम करने वाले हैं उसको हम यहाँ पर कमेंट के थ्रू लिखें तो ज्यादा अच्छा। मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे। लीप ईयर एक ऐसा लीप ईयर, अगर ये डिविजिबल हो जाए 100 या 400, लीप ईयर यदि वो पूरी तरह डिविजिबल हो जाए 400 से 100, 400 और 400, तो ये होता है लीप ईयर। लीप ईयर जो होता है उसको चेक करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h और conio.h करेंगे, ईयर जो भी यूजर ईयर डालता है वो डालेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे। अब चेक कैसे कराएंगे देखिएगा, जैसे एंटर ईयर कराया और ये ईयर आ गया वायर में, हमने कहा वाई को मॉड्यूलो करिए 100 से, 0 आया, अंदर जाइए वायर ईयर को मॉड्यूलो करिए 400 से। अगर ये 100 और 400 से दोनों से हो गया, हमने कहा ये लीप ईयर है, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं। एक और काम कर सकते हैं, अगर ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसके अंदर तो जाएंगे नहीं, सीधा हम एल्स पे चले जाएंगे। और एक और कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर ये 4 से इसका डिवीजन या ये मॉड्यूलर 0 आ रहा है तो आप कहेंगे लीप ईयर नॉट लीप ईयर। तो 100 से भी चेक हो गया, 400 से भी चेक हो गया और 4 से भी चेक हो गया, इस तरीके से होता है। अगर 400 से डिवीजन हो रहा है, इसको आप आराम से रिलेशनल ऑपरेटर से भी कर सकते थे, जैसे इफ लगा के यहां पर कह सकते थे आप कि इफ यहां सिंपली ईयर मॉड्यूलो 100 इक्वल टू 0, या इसको करने की जरूरत नहीं, इक्वल टू 0 यहां पर आ ही जाएगा उसे, और यहां करते ईयर मॉड्यूलो 400, इसको एक ही कंडीशन में जोड़ सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1/1/1900 में मंडे था। कोई भी अगर ईयर इनपुट किया जाए कीबोर्ड से तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है कि व्हाट इज द डे ऑन द 1st जनवरी ऑफ दैट ईयर, यानी जो ईयर एंटर किया उसकी उस साल के पहले दिन, पहली जनवरी को क्या दिन था। जैसे इन्होंने कहा कि ये मंडे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, stdio.h और conio.h हम इंक्लूड कराएंगे, यहाँ पर एक प्रोग्राम का कमेंट लिखेंगे इस जगह पे। फिर हम क्या करेंगे, लीप डेज, फर्स्ट डे और ईयर लेंगे। हम लॉन्ग इंट में नॉर्मल डेज और टोटल डेज लेंगे। सबसे पहले ईयर एंटर कराएंगे, YR में ईयर ले लेंगे, ईयर आ गया अब आपके पास कि यूजर ने ईयर डाला। अब आप देखिएगा इसको कि जो नॉर्मल डेज है वो हम कहेंगे ईयर माइनस 1 × 365, हम जानते हैं कि नॉर्मल डेज 365 के होते हैं। लीप डेज क्या होते हैं, अभी अभी हमने देखा कि लीप डेज होते हैं डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 100 मॉड्यूलो 4 मॉड्यूलो 100 और मॉड्यूलो 400, ये लीप में आपको 0 देते हैं। तो लीप डेज क्या हो जाएंगे, ईयर में एक माइनस करिए, ईयर में एक माइनस करिए, ईयर में एक माइनस करिए, क्योंकि ईयर जो है वो शुरुआत से शुरू होता है। जैसे अगर आप अपना बर्थडे देखें तो आप अपने जब बर्थडे मना रहे होंगे तो जिस दिन बर्थडे मना रहे होंगे आप उसके अगले दिन उसी दिन से आप, जैसे मैं 19 साल का हूँ, मेरा 19वां मेरा बर्थडे मेरा जिस दिन हुआ मैं कहूंगा कि मैं 20 साल मैं मेरा 20 साल है, 19.1 भी 20 साल कहलाता है, आप समझ रहे हैं। मैं 19वें कंप्लीट किया, मैंने बर्थडे मनाया और जैसे ही अगला दिन आया मैं 20 साल का हो गया, मैं कहूंगा कि how old am I, I'll say 20। तो इसलिए ईयर माइनस वन हम इसीलिए कर रहे हैं, एक साल माइनस वन और डिवाइडेड बाय टू माइनस दिस
प्लस डेज, ये एक तरीका होता है लीप डेज निकालने का, लीप डेज कितने हो रहे हैं, तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, क्योंकि लीप ईयर में दिन कुछ इस तरीके से निकाले जाते हैं। हमने क्या किया, बाय 4 माइनस बाय 100 माइनस बाय 400, ये लीप डेज इस तरीके से निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, इसमें कोई ऐसा मतलब वो चीज नहीं, या अगर आप साइंस में आपने देखा होगा तो ये सिंपल फॉर्मूला है। हम जानते हैं नॉर्मल डेज तो 365 होते हैं, है ना, तो कितने साल है इनटू 365 कर दिया, टोटल डेज में हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब पहला दिन क्या होगा, जो टोटल डेज मॉड्यूलो 7 ले लीजिए, पहला दिन, यदि अगर ये फर्स्ट डे आपका 0 आता है तो आप कहेंगे मंडे है, फर्स्ट डे अगर आपका 1 आता है तो ट्यूसडे है, फर्स्ट डे 2 आता है तो वेडनेसडे है, फर्स्ट डे 3 आता है तो थर्सडे है, फर्स्ट डे 4 फ्राइडे है, फर्स्ट डे 5 आता है सैटरडे, फर्स्ट डे 6 आता है संडे। बस इस मॉड्यूलो से टोटल डेज के मॉड्यूलो निकालना है, मॉड्यूलो आपको हमेशा 0 से लेकर 6 तक ही वैल्यू देगा, क्योंकि आपने 7 तक लिया है, मॉड्यूलो 7 निकाल रहे हैं, 7 दिन होते हैं ना, मंडे से लेकर दोबारा मंडे तक आप आ जाइए तो 7 दिन आपको मिलते हैं, तो इसलिए मॉड्यूलो 7 लिया है, 0 से लेकर 6 तक बता दें, 0 मंडे है, ऐसे 6 संडे है, ऐसे हम दिखा सकते हैं। एक 5 डिजिट नंबर उसको एंटर किया कीबोर्ड से, आपको एक प्रोग्राम लिखना है रिवर्स नंबर, और आपको ये बताना है कि क्या ओरिजिनल और रिवर्स नंबर दोनों इक्वल, तो हमको चेक करना है कि नंबर और रिवर्स इक्वल है कि नहीं, पहले तो हमें रिवर्स निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम stdio डॉट एच और conio डॉट एच को इंक्लूड करेंगे, और फिर हम कहेंगे कि इंट ये नंबर है ए और बी, और नंबर जो लॉन्ग जो रिवर्स नंबर है वो हम 0 से शुरुआत करेंगे उसकी, और हम REVNUM में लेंगे, इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है वरना इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। ये इसको लॉन्ग क्यों किया है, डिक्लेयर्ड एज लॉन्ग, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग रिवर्स करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर आपका 9 आखिर में हो, ऐसे नंबर हो, तो ये तो यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो हो सकता है बड़ा नंबर हो जाए, इंट रेंज के बाहर ना चले जाए, इसलिए इसको लॉन्ग डिक्लेयर। हम क्या करेंगे, यूजर से बोलेंगे कि 5 डिजिट नंबर दीजिए, यहाँ पर आप कोई भी लिमिट लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाइलर, आप किस कंपाइलर पर काम कर रहे हैं, इंटीजर 2 बिट का है, 2 बाइट का है या 4 बाइट का है। अभी हम फिलहाल एक लिमिट लगा देते हैं, ये लिमिट कुछ भी हो सकती है, ये लिमिटेशन के लिए है, यूजर इसके इससे कम डालेगा, इसको छोड़ भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लिखना बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कहलाता है। फिर आप ये नंबर ले लेंगे, उसके बाद इस नंबर को इस एन को एनयूएम में डाल देंगे, क्योंकि ये बाद में कंपेरिजन के लिए यूज करेंगे। अब इस एन को लीजिए और आप मॉड्यूलो 10 निकालिए, 9 बाय 10 निकालिए, इसको रिवर्स करने का तरीका हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर से बताता हूँ। नंबर रिवर्स करने का तरीका है, जैसे आपके पास कुछ नंबर्स है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 3, 2, 1, 4, 5, ये 5 डिजिट का नंबर है, इसको रिवर्स करना है, तो सबसे पहले अगर मैं इसका मॉड्यूलो 10 निकालूं तो मेरे पास ये 5 आएगा, डिवाइड बाय 10 निकालूं तो ये 4 आएंगे, सुखर के देख लीजिएगा, इसके पास मेरे पास 5 आ जाएगा, इसमें 3, 2, 1, 4 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर है तो 5, अब हमको 5 डिजिट का है ना, 5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10000 से, इस 5 को 10000 से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए 0 से, 0 क्योंकि रिवर्स नंबर 0 से शुरुआत की है, तो पहली बार आ जाएगा 5, ये 5000, है ना, 0000। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले हम क्या करेंगे, ये वाले पास आ गया हमारे पास 3, 2, 1, 4, इसको फिर से यही काम करेंगे n बाय 10, यानी कि अब यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा इसके पास, मॉड्यूलो से हमेशा आखिरी डिजिट आता है, और 3, 2, 1 जो बाकी बचता है वो यहाँ आता है डिवीजन से 3, 2, 1। फिर हम क्या करेंगे, अगेन ये 4 आएगा, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, 4 1000 यहाँ पर आपका आएगा, और फिर इस 3, 2, 1 को इस 4000 को ऐड कर देंगे इनिशियल से, मतलब 4000 5000 से ऐड कर दिया, तो यहाँ 5000 और 4000 ऐड करके 5400 आ गया। फिर आपने क्या किया, फिर इस 3, 2, 1 को उठाया, फिर मॉड्यूलो लिया, यानी कि 1 आपको मिलेगा आखिरी वाला, और ये 3, 2 यहाँ पर आ जाएगा, इस 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर इसको इससे इन दोनों के रिजल्ट से ऐड कर देंगे, वही काम यहाँ पर किया हुआ है। फिर 32 बचा, 32 का फिर से हम लेंगे, वही काम करेंगे, 32 का मॉड्यूलो 10 निकालेंगे तो 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ बचे, तो फिर से इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और पिछले वाले से ऐड कर देंगे, और इस 3 का मॉड्यूलो 10 निकालेंगे तो आपका 3 आएगा, उसको ऐड कर देंगे लास्ट, तो आखिरी 3 भी ऐड होंगे। फिर अब ये जो नम लिया था हमने शुरुआत में, बताया था ये बाद में चेक करेंगे, और जो रिवर्स नंबर आया इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इफ दीज टू आर इक्वल, आप कहेंगे कि रिवर्स नंबर इसके बराबर है, नहीं तो आप कह देंगे रिवर्स नंबर इसके बराबर नहीं। ये तरीका है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे काम करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स का एग्जांपल एक देख लेंगे। यदि x 11 है, y 6 है, z इक्वल टू 1 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग टेबल। इसको देखिए, x ग्रेटर देन 9 एंड y नॉट इक्वल टू 3, तो x क्या है, बेसिकली इसकी जगह वैल्यू रख दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। x ग्रेटर देन, यानी कि मैं सीधा वैल्यू लिख देता हूँ, 11 ग्रेटर देन 9 एंड y नॉट इक्वल टू 3, 6 नॉट इक्वल टू 3, तो 11 ग्रेटर देन 9 इधर ट्रू हो गया, 6 नॉट इक्वल टू 3 ये भी ट्रू हो गया, 2 और ट्रू एंड में क्या देते हैं, ट्रू वैल्यू बनाए। इसी तरीके से मैं एक और उठा लेता हूँ, यार उठा लेता हूँ, ये आप प्लीज ट्राई करिएगा। x ग्रेटर देन 9, यानी 11 ग्रेटर देन 9 और एंड किया आपने y नॉट इक्वल टू 23, y नॉट इक्वल टू 23 यानी कि 6 नॉट इक्वल टू 23, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ट्रू और ट्रू क्या देंगे आपको, ट्रू, ये फाइनल इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, लेकिन इसके आगे नॉट लगा हुआ है, ये नॉट लगा हुआ है, तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, यानी कि 0 है, राइट। ऐसी आप बाकी आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसमें देखिए, i 4 है, z 12 है, i इक्वल टू 5,
ये देखिएगा असाइनमेंट है, ये इज इक्वल टू नहीं, आई को 5 असाइन किया आपने, जब कोई भी वैल्यू असाइन होगी आई को 5 असाइन किया आपने, तो जो भी वैल्यू होगी अगर वो 0 नहीं है तो ट्रू, यानी कि हम इसको ट्रू मान ले, अभी जैसे दिख रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ। जेड ग्रेटर देन 50, क्या 12 ग्रेटर देन 50 है? ये तो नहीं है, ये फॉल्स है। अब हम जानते हैं और में यदि एक भी ट्रू हो, अगर दोनों फॉल्स हो तभी ये फॉल्स होता है, बाकी हर कंडीशन में ट्रू होता है। तो अगर आप देखेंगे क्योंकि ये ट्रू आ रहा है तो ये वाली लाइन आएगी, डोसा नहीं आएगी। अब इसमें सेम चीज हम कर रहे हैं एंड के साथ, एंड में ये है कि अगर एंड के एक भी साइड में मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स आएगा, अगर दोनों ट्रू हो तभी ये ट्रू आएगा। यहाँ पर हमने देखा अभी क्या था, ये फॉल्स था, तो आना क्या चाहिए, विश सी वॉज फ्री। लेकिन यहाँ पर एक असाइनमेंट है, ये ट्रू है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई, क्या 12 ग्रेटर देन 5, ये तो ट्रू हो गया, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और ट्रू ट्रू जब होते हैं एंड में तभी ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो ये लाइन आई, आई 4 है, जे -1 है, के 0 है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। डब्ल्यू क्या आएगा, आई जे के, आई जे के मैं लिख देता हूं यहां पर, आई जे के एक एक साथ 4 और जे -1 और के 0, और में अगर कोई भी कंडीशन आपका एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इस W को मिलेगा 1। X में I एंड J एंड K, यानी कि I क्या हुआ आपका 4 एंड J, J क्या है -1 एंड K 0। अब इसमें क्या है, एंड में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो सारी फॉल्स हो जाएगी, तो क्योंकि ये 0 है एक, ये फॉल्स हो जाएगा, X में आपको 0 मिलेगा। यहाँ आइए I J, I और J क्या है आपका 4 और -1, 4 और -1, ये तो ट्रू दे रहा है क्योंकि 4 और -1 दोनों ही ट्रू है, कोई भी 0 के अलावा ट्रू माना जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू, और इस यहाँ पर आपका के है 0, के 0 है। अब वाई में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आना चाहिए, फिर से मैं बताता हूँ आपको, इस पर थोड़ा सा और देखते हैं। आई में 4 है, आप और कर रहे हैं, और जे के साथ और कर रहे हैं, जे है -1, और एंड कर रहे हैं आप के साथ, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर -1 और एंड, ये वाला पहले चलेगा, पहले ये चलेगा, -1 और 0 में क्या आएगा आपको 0, लेकिन 4 और 0 में क्या, और में क्या मिलेगा आपको, सेमीकोलन से इस तरफ लेके चलते हैं, 4 और 0 में क्या मिलेगा आपको, क्योंकि 4 मिल गया, और हमेशा ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये ट्रू देगा आपको 1 दे देगा। सेम कंडीशन यहां पर है, अब देखिएगा थोड़ी सिमिलर कंडीशन है लेकिन एंड चेंज है। अब फिर से यहां पर आई जे के करते हैं, आई आपका क्या है इसमें 4, एंड करना है आपके जे से, जे है आपका -1, और आपका और में आ रहा है के, यानी कि 0, इसमें क्या मिलेगा आपको -1 और 0, ये क्या मिलेगा आपको -1 और 0 में, क्योंकि ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ट्रू मिलता है और में, तो ये ट्रू मिलेगा, यानी कि ट्रू मान लीजिए, 1 मान लीजिए या -1 ही मान लीजिए, चलिए 4 और -1 दोनों ही ट्रू है, 0 नहीं है ना, 0 के अलावा हर चीज ट्रू होती है, तो ये आपको 1 दे। अब जो अगला है उसमें है आई इक्वल टू 4 जे -1 के 0 वाई जेड, तो यहाँ पर वाई जेड में क्या आने वाला देखेगा, ये आई है, पहले वाला लेते हैं, आई है आपका 4 प्लस 5 एम्परसेंट, जे है आपका -1, फिर प्लस 1, ये आपका और है के साथ, के आपका है 0 प्लस 2। एम्परसेंट और जो है ये बाद में होते हैं, पहले आपके प्लस माइनस होते, तो ये प्लस तो कर लें, ये वाला तो होगा 9, एम्परसेंट -1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 0, और ये क्या हो जाएगा 2। अब मैंने आपको जैसे बताया था सबसे पहले ये होगा 0 और 2 का मतलब ये है कि और में अगर एक जगह फॉल्स एक जगह टू है तो टू आएगा, तो ये हो जाएगा 9 एम्परसेंट 2, ये क्या देगा आपको ट्रू, यानी कि 1 रिटर्न होगा, वाई में 1 प्रिंट होगा। इस केस में देखते हैं इसमें केस में क्या आने वाला है, सेम चीज करेंगे, थोड़ा सा इस पे ये फिर बदल हो रहा है, यानी कि 4 प्लस 5 यहाँ पर और है, और ये जे है, जे आपका है -1 प्लस 1 एम्परसेंट कर दीजिए के प्लस 2 0 प्लस 2, ये काम करेंगे, ये 9 हो जाएगा और -1 और 1 हो जाएगा आपका 0, एंड 0 प्लस 2 क्या होगा आपका 2। अब इसमें देखिए अगर सबसे पहले ये होगा यहाँ ये वाला, मैंने कहा था सेमीकोलन से इस तरफ जाता है, अगर हम पहले 9 और को 9 और 0 को और करें तो भी 9 आएगा, और एंड करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो बेसिकली 9 और 0 मतलब इसमें एक ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, इन दोनों पर जो भी ट्रू आना है इसके साथ करेंगे तो भी ट्रू आएगा, तो ट्रू यानी कि 1 रिटर्न होगा। तो इसकी तरीके से देखिए अगर सेमीकोलन की तरफ से मैं आपको बताऊं तो 2 और 0 का एंड होता है 0, लेकिन 0 आने के बाद यहाँ पर जैसे 9 के साथ आप करेंगे तो और के साथ एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 1 और 1 आएगा। अगला है आई -3 है, जे 3 है, इसको आप देखते हैं क्या बनेगा, नॉट -3 प्लस नॉट 3 इंटू 1, नॉट 3 यूनरी है, नॉट 3 मतलब होता है कोई भी वैल्यू ले लीजिए यहाँ पर, नॉट उसका मतलब होता है 0, इंटू 1 मतलब, अच्छा सबसे पहले ये दोनों होंगे, ध्यान रखिए नॉट ऑपरेटर सबसे पहले होता है, तो ये बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा, पहले ये क्या होगा नॉट -3, ये भी 0 बनेगा, तो 0 अब ये मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, यानी कि इफ 0 0 अगर आ गया तो इसका मतलब ये तो चलेगा नहीं, 1 कंडीशन पे चलना चाहिए, 0 पे ये कंडीशन चलेगी, बेना रिबो ये आए। पॉइंट आउट द एरर्स इफ एनी इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, क्या क्या एरर है इसमें, लॉजिकल एरर यूज किया हमने, आई इक्वल टू 2 एंड जे डबल इक्वल टू 5, इसमें क्या एरर है, कुछ एरर है इसमें, कोई एरर नहीं, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देखिए कोड इक्वल टू 1 एंड फ्लैग इक्वल टू 0, यहाँ पर डबल
एम्परसेंड कहां गया, ये डबल एम्परसेंड होता है, तो यहां पर डबल एम्परसेंड यूज करेंगे, सिंगल नहीं। यहां पर स्पाई है ए, पासवर्ड है जेड, आपने चेक कराया स्पाई क्या ए है या पासवर्ड इक्वल टू जेड है, ये और तो कुछ नहीं होता, इसके लिए हमको पाइप यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको पाइप यूज करना पड़ेगा, ये एरर है। आई इक्वल टू 10 है, जे इक्वल टू 20 है, इफ आई इक्वल टू 5 एंड, ये नहीं लगता, ये एंड के साथ दूसरा इफ नहीं लगेगा, तो ये दूसरा इफ आपको हटाना पड़ेगा, सीधा आई इक्वल टू 5, इस इफ को हटा देंगे तो बात सही हो जाएगी, तो आपको ये इफ केवल ये लगाइए, एंड करके ये लगा दीजिए। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एनी ईयर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द ईयर इज लीप और नॉट, यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड एंड और। हम जानते हैं कि लीप ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाए, 100 से डिवाइड हो जाए और 400 से डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोग्राम के लिए हम कमेंट लिखेंगे, stdio conio io, ये इंक्लूड कराएंगे, ईयर ये ईयर हम एंटर कराएंगे, तो यूजर को बोलेंगे आप एंटर करिए ईयर, इसको ईयर में ले लेंगे, एक इफ कंडीशन लगाइए, और क्योंकि और एंड बोला है आपने, तो यदि ईयर मॉड्यूलो 4 मतलब मैंने कहा डिवाइड करने पर 0 आना चाहिए, तो 400 से डिवाइड करेंगे अगर ये 0 आया, या फिर जब y को मॉड्यूलो करेंगे 100 से, नॉट इक्वल टू 0 ये इधर पे आपका, और साथ में y ईयर मॉड्यूलो 4 इज इक्वल टू 0, यानी आपने क्या कहा कि 400 और 100 इसे चेक कराए, अगर ये तीनों कंडीशन देखिए, और वाली कंडीशन है और ये एंड वाली कंडीशन, इसमें अगर हम ये लगा देते नॉट इक्वल टू की जगह हम इक्वल टू लगा देते तो एंड नहीं बन पाता, इसलिए नॉट इक्वल टू किया हमने 0, नॉट इक्वल टू 0 ये अपने आप ऐड किया हमने, और यहाँ पर कहा वाई मॉड्यूलो 4, तो ये कंडीशन भी मीट हो गई, ये कंडीशन भी मीट हो गई, 400 तो है ही, खैर यहाँ पर तो और एंड दोनों लगा दिए हमने, और इस एंड को लगाने के चक्कर में हमको ये नॉट इक्वल टू करना पड़ा, तो लीप ईयर आ जाएगा, ये नॉट लीप ईयर। कैरेक्टर एंटर किया जाएगा कीबोर्ड से, आपको एक प्रोग्राम लिखाना बताना है कि जो कैरेक्टर एंटर किया गया वो कैपिटल है, स्मॉल है या डिजिट है या स्पेशल सिंबल है, ध्यान रखिएगा 65 से लेकर 90 तक ये कैपिटल या ASCII नंबर्स है, इसके कंप्यूटर इसी से डील करता है, इनको नहीं समझता है। ए और जेड अगर आप देंगे ए से जेड, तो ए 65 है, जैसे बी होगा तो 66 होगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, जेड यहां तक है, स्मॉल ए टू जेड 97 से 122, 0 से 9 48 से 57, और स्पेशल सिंबल्स यहाँ से यहाँ तक आते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सिंबल यूजर ने एंटर किया है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ पर हम चेक कराते हैं, एक सिंपल एक कमेंट लिख दीजिए टू चेक टाइप ऑफ कैरेक्टर एंटर फ्रॉम कीबोर्ड, stdio.h conio.h इंक्लूड कर लीजिए, कैरेक्टर जो यूजर एंटर करेगा उसको यहाँ सी एच में लेंगे, तो प्रिंट एफ में दीजिए एंटर करिए कैरेक्टर, एंटर कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, उसको हम सी एच में ले लेंगे और सी में डाल देंगे, अब मतलब परसेंट सी है क्योंकि कैरेक्टर लेना पड़ेगा, अब कैरेक्टर क्योंकि सी है जो है वो है तो कैरेक्टर, लेकिन ये इंटरनली इंटीजर की तरह ट्रीट होता है, तो हम इसको डायरेक्टली मैच करा सकते हैं, इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 या नहीं, ये 65 से 90 के बीच में, तो एंड लगाना पड़ेगा, 65 से लेकर 90 के बीच में, यदि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब हम कहेंगे अपर केस, क्योंकि 65 और 90 के बीच में अपर केस है, तो ये हमको बताना पड़ेगा कि चाहे 65 से ज्यादा हो या 90 से कम हो, दोनों ही केस में दोनों जब ट्रू होंगे तभी अपर कैरेक्टर है, अगर 97 से 122 है तो लोअर कैरेक्टर है, अगर 48 से 57 है तो ये कैरेक्टर है, लेकिन जब ये वाला कराएंगे तो हम देखिए 0 से 48 लेंगे, फिर और लगाएंगे 57 से 65, फिर और लगाएंगे 90 से 97, या कैरेक्टर बड़ा हो 122 से, तो हम कहेंगे कैरेक्टर स्पेशल सिंबल, इस तरीके से हम कैरेक्टर बता देंगे कौन सा है, फिर बाहर आ जाए। इंश्योरेंस कंपनी कुछ रूल्स फॉलो करती है प्रीमियम कंप्यूट करने के लिए, जो बंदे की हेल्थ अगर एक्सीलेंट है और पर्सन जो है 25 से 35 ईयर के बीच में है, सिटी में रहता है और मेल है, उसकी प्रीमियम होगा 1,000 रुपए के लिए 4, और वो उसकी जो पॉलिसी है 2 लाख से ऊपर नहीं जा सकती। अगर ये सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है ये सारी की सारी, लेकिन सेक्स फीमेल है, तो प्रीमियम हो जाएगा 3 per 1000, और उनकी जो पॉलिसी है वो 1 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। यदि जो बंदे की हेल्थ है वो थोड़ी सी पुअर है और वो 25 से 30 साल के बीच में है और वो विलेज में रहता है और मेल है, तो 6 per 1000 कर देंगे, उसकी पॉलिसी 10,000 से ऊपर नहीं हो सकती, बाकी सारी कंडीशन में नॉट इंश्योर्ड रहेगा। आपने प्रोग्राम लिखना है ताकि आप जैसे बंदे के इनपुट्स आप डालें तो आप बता दें कि उसका प्रीमियम रेट क्या होगा और कितना मैक्सिमम अमाउंट वो इंश्योर कर सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमको देखना है कि इंश्योरेंस कब होगा नहीं होगा, जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे stdio.conio.h, ये यहाँ पर कमेंट लिखेंगे, एज पीआर और पॉलिसी देखिएगा, हमने ये दे दिया कैरेक्टर में हम हेल्थ लेंगे, रेसिडेंट लेंगे और सेक्स लेंगे। हम यूजर को बताएंगे जब हम उससे वैल्यू मांगेंगे कि आप ये वैल्यू एंटर करिए, अगर सेक्स है तो आपको यहाँ पर कैरेक्टर लिया है तो आपको सेक्स के लिए मेल फीमेल डालना है, MF, हेल्थ पुअर एक्सीलेंट है आपकी तो ई और पी डालेंगे, पुअर है और एक्सीलेंट है, ई एक्सीलेंट के लिए पी पुअर के लिए, यदि वो सिटी या विलेज के लिए तो इस जगह हम सी और वी डालेंगे, तो हमने यूजर को बता दिया। उसके बाद कहा आपने एज भी डाल दी, सारी चीज हम ले लेंगे जो हमने दिया है, जिस हिसाब से दिया है उसे इस तरीके से कैरेक्टर और इंटीजर में ले लेंगे, ये सारी वैल्यू आ गई। अब देखिए पहली चीज, यदि सेक्स मेल है, सेक्स मेल मतलब यूजर तो स्मॉल एम भी और कैपिटल एम भी डाल सकता है, तो दोनों ले लिया और लगाया, चाहे कैपिटल एम डाले चाहे स्मॉल डाले, उसके बाद एंड लगाया यहाँ पे,
यदि हेल्थ इसकी एक्सीलेंट है या छोटे में एक्सीलेंट है, अब ये कंडीशन इसके साथ लगा दी एंड की कि रेसिडेंट अगर वो सिटी का है या स्मॉल सिटी सी छोटे में डाल सकते हैं, और एज यदि उनकी 25 से ज्यादा है और एज उनकी 35 से कम, यदि ये कंडीशन है तो पर्सन इंश्योर्ड है, प्रीमियम 4 रुपए लगेगा पर 1000 और मैक्सिमम 2 लाख राइट, और हम उसको 12, ये सारी कंडीशन हमने मीट कर। अब अगले में आएंगे, सेक्स फीमेल हो, दोनों एफ स्मॉल एफ इसलिए दिया, एक्सीलेंट हो, रेसिडेंट सी हो और एज 25 से 35 के बीच में है, तो हम कहेंगे क्योंकि अभी फीमेल है इंश्योर्ड हो गया, लेकिन 3 रुपए पर 1000 है, 1 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस नहीं हो सकता, बाहर आ जाएंगे। अब तीसरी कंडीशन देखिए, अगर मेल है, हेल्थ बहुत ये हेल्थ पुअर है, अच्छी नहीं है, रेसिडेंट वो विलेज के है और 25 और 30 के बीच में है, तो वो पर्सन इंश्योर तो हो गया लेकिन 6 पर 1000 देना पड़ेगा और मैक्सिमम अमाउंट जो भी आपको दिया हुआ वो आप यहाँ दे दीजिए, और उसके बाद ये तीनों कंडीशन मीट नहीं हुई तो आप यहाँ प्रिंट कराएंगे द पर्सन इज नॉट इंश्योर्ड और उसके बाद बाहर आ जाएंगे। जो ग्रेड है स्टील का, उसको इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग ग्रेड करते हैं, हार्डनेस 50 से ज्यादा हो, कार्बन कॉन्टेंट 0.7 से कम हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी 5600 से ऊपर है, तो ग्रेड कुछ इस तरीके से होते हैं, ग्रेड 10 देंगे यदि ये तीनों कंडीशन मीट होगी, पहली और दूसरी हुई तो 9, इस तरीके से 8 से 7.65 तक देंगे। हमको प्रोग्राम लिखना है ताकि यूजर से हम लेंगे क्या क्या, हार्डनेस वैल्यू ले लेंगे, कार्बन कॉन्टेंट ले लेंगे और टेंसाइल स्ट्रेंथ ले लेंगे, ये तीनों ले लेंगे और उनके हिसाब से हम उनको ग्रेडिंग देंगे। कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पर एक कमेंट लिखेंगे टू चेक दी ग्रेड ऑफ स्टील, यहाँ पर हम stdio और conio.h को इंक्लूड कराएंगे, हम बोलेंगे कि आप क्योंकि फ्लोट में है, वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, हार्ड कार्बन टेंसाइल डालिए, जब ये डालेंगे सबसे पहले हम प्रिंटअप करेंगे कि आप हार्ड जो हार्डनेस डालिए हार्ड में ले लेंगे, कार्बन कॉन्टेंट कार्बन में ले लेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंसाइल में ले। अब यदि हार्डनेस 50 से ऊपर है, कार्बन 0.7 से नीचे है और ये तीनों ही ट्रू होनी चाहिए, टेंसाइल 5600 से है तो ग्रेड 10, अगर 50.7 5600 इनके बीच में है तो ग्रेड 9, अगर 50 से हार्डनेस कम है, कार्बन 0.7 से कम है, टेंसाइल 5600 से ऊपर है तो ग्रेड 8, इसी तरीके से ग्रेड 7, इसी तरीके से ग्रेड 5, इसी तरीके से हम ग्रेड 5 तक जा सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप ग्रेड 5 तक जाइए। तो ये कंडीशन हमको केवल ये देखनी है कौन सी मीट करनी है, उसी हिसाब से हम एंड और ऑपरेटर लगाएंगे। कंडीशनल ऑपरेटर, इसका आउटपुट क्या होगा अगर कंडीशनल ऑपरेटर देना चाहते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर मतलब ये होता है कि ये इफ एल्स की तरह ही है, तो अगर नंबर लेस देन 0 है, नंबर क्या है आपका, नंबर है यहाँ पे कुछ, नंबर लेस देन 0 और यहाँ पर आपने कहा कि 0: नंबर इंटू नंबर, नंबर है कहाँ, नंबर इनिशियलाइज नहीं किया तो ये तो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। आपने कहा के नम इक्वल टू 30, अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है, 30 तो ग्रेटर देन 5 है यानी कि ट्रू है, तो ये वाली कंडीशन मीट होगी, ये नहीं होगी। अब अंदर फिर से आ जाइए, नंबर लेस देन इक्वल टू 10, नंबर क्या है 30 लेस देन इक्वल टू 10, ये तो फेल हो गया क्योंकि 30 लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, फेल हो गया तो ये 200 पे जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, तो उत्तर क्या होगा। आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये प्रिंट क्या होगा, के में कुछ भी आता रहे इट डजंट मैटर, क्योंकि प्रिंट तो आप नंबर करा रहे हैं ना, तो नंबर 30 ही होगा ना। अगर ये यहाँ पर आप नम प्रिंट करा रहे होते या फिर रिजल्ट प्रिंट करा रहे होते, ये के प्रिंट करा रहे होते तो 100 आता, यहाँ पर 100 नहीं आएगा क्योंकि प्रिंट तो आप नम करा रहे हैं। आपको एरर बताने हैं इसमें, टैग 0 है, कोड 1 है, टैग इक्वल टू 0, आपको कोड ग्रेटर देन 1 है, तो आपको प्रिंट अप करना है हेलो या फिर प्रिंट अप करना हाय, अदरवाइज ये प्रिंट करना है। क्या एरर है इसमें, कुछ देख पा रहे हैं आप इसमें, इसमें एरर है कि कोलन नहीं है राइट, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ दे दिया, यहाँ कोलन कहाँ गया, इस कोलन को ना भूलिए। अब जे आई जो भी है 65 है, जे आई ग्रेटर देन 65 है और आपने क्वेश्चन मार्क लगा के ये दे दिया, प्रिंट एफ के अंदर डाला है, देखिएगा यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर डाला है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं भी डाल दीजिए इसको, क्योंकि इसका रिजल्ट तो या परसेंट डी आएगा या परसेंट सी आएगा, वही तो हमको प्रिंट एफ के, प्रिंट एफ का फॉर्मेट यही है कि यहाँ पर परसेंट डी परसेंट सी आना चाहिए। तो अगर जे आई ग्रेटर देन 65 है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है ऑलरेडी, 65 दिया है तो 65 के बराबर है, तो परसेंट डी आएगा, जे आई प्रिंट हो जाएगा, जो भी वैल्यू 65 प्रिंट हो जाएगी। अब आई इक्वल टू 10 है और जे है, आई लेस देन इक्वल टू 5, जे 10 है, जे 15 है, ये असाइन क्यों नहीं किया, ये असाइन तो होना चाहिए किसी को, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि असाइनमेंट नहीं है। लेकिन अब हमने कहा कि इस लाइन के बाद आई ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कुछ भी आता रहे क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, या फिर जे इक्वल टू 10 और जे इक्वल टू 15 राइट, तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्यों, क्योंकि जे को आपने 10 साइन किया, जे को 15 साइन कर दिया, तो जे में आ गया 10, जे में आ गया 15, लेकिन आपने कहा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल सही है, तो ये जे इक्वल टू 10 होगा, तो जे यहाँ पर आपका 10 प्रिंट होगा और आई आपका 10 प्रिंट होगा, ऐसा होगा। जो मैंने आपको पहले बताया वो इसलिए, वो बताने का तात्पर्य ये है कि आप इसको इस तरीके से यूज ना करें, जब भी प्रोग्रामिंग करें हमेशा इसको असाइनमेंट करें फिर यूज, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि ये असाइनमेंट है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आई, अदरवाइज आप असाइनमेंट जरूर करें, ये मेरा मेन इसमें मुद्दा है। अब कंडीशनल ऑपरेटर के हिसाब से यूज करेंगे, देखिए आपने मिन और मैक्स एंटर करा लिया, मैक्स और एक्स एंटर करा लिया, आपने मैक्स में वैल्यू दी
अगर x ग्रेटर देन मैक्स है तो मैक्स इक्वल टू x, अगर नहीं तो मीन इक्वल टू x, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसी के हिसाब से आपने स्कैन का जब कराया तो आप कहेंगे x ग्रेटर देन मैक्स, ये वाली चीज यहाँ लिखेंगे, ये वाली कंडीशन यहाँ लिखेंगे और ये वाली कंडीशन यहाँ लिखेंगे, बस इतना करना, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे या कोलन लगाएंगे बस। अगले वाले में भी ऐसे ही करेंगे, इफ दिस प्रिंट दिस अदरवाइज एल्स, में एक बार और आपकी मतलब नेस्टिंग हो रही है यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर, तो हम क्या करेंगे, कोड ग्रेटर देन वन ये वाली यहाँ रखेंगे, प्रिंट एफ दिस, फिर कोलन लगाएंगे, इसके अंदर एक कंडीशनल ऑपरेटर देंगे कि कोड लेस देन वन प्रिंट एफ एडी, कोलन लगा के प्रिंट एफ सी ब्रेक। कंडीशनल ऑपरेटर लगा के आपको डिटरमाइन करना है whether the character entered through the keyboard is a lower case alphabet or not। एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि जो कैरेक्टर दिया है वो लोअर केस है कि नहीं, कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना है। तो हम यहाँ पर एक कमेंट लिख दिया हमने, कोनियो और stdio इंक्लूड कर लिया, कैरेक्टर में हम कैरेक्टर ले लेंगे, एंटर कैरेक्टर कराएंगे, ch में कैरेक्टर आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, यदि कैरेक्टर आपका 97 से ऊपर है और 122 के ऊपर के नीचे है तो आप प्रिंट करा देंगे कैरेक्टर एंटर्ड इज लोअर केस, अदरवाइज आप करा देंगे प्रिंट एफ कैरेक्टर एंटर्ड इज नॉट लोअर केस। आप समझ रहे हैं यहाँ असाइनमेंट की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है सीएच के हिसाब से चेक हो जाएगा, ये अगर ट्रू होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ये अगर फॉल्स होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा। वेदर कैरेक्टर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड इज अ स्पेशल सिंबल और नॉट, इसी तरीके से करेंगे इसको, स्पेशल सिंबल है कि नहीं तो उसके लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लगाएंगे। हम जानते हैं कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है वो 0 से 47, 58 से 64, 91 से 96 और 122 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर एंटर कराएंगे, यहाँ पर एक कमेंट लिखेंगे stdio conio.h इंक्लूड कराएंगे, ch में कैरेक्टर ले लेंगे, ch आ गया। अब इस कैरेक्टर को ch को असाइन करेंगे क्या, असाइनमेंट ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पर केवल यहाँ मैचिंग करा लेंगे, अगर 0 और 47 के बीच में है या फिर 58 और 64 के बीच में है या जब मैं बोलूँ तो इसका मतलब और समझिएगा, इसका मतलब या मतलब और ऑपरेटर। इसी तरीके से 96 और 122 के ऊपर तो आप बोलेंगे प्रिंट एफ, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रिंट एफ ये करेंगे, कोलन लगा के फिर उसके बाद ये लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो आप कहेंगे कैरेक्टर एंटर्ड इज नॉट अ स्पेशल सिंबल। एक प्रोग्राम लिखना है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर टू डिटरमाइन वेदर ईयर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड इज लीप ईयर और नॉट। इसमें क्या करेंगे, कंडीशनल के हिसाब से करना है, तो एक प्रोग्राम हम यहाँ लिख रहे हैं डिटरमाइन वेदर ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। हमने stdio conio.h इंक्लूड करा दिया, ईयर यूजर से एंटर कराएंगे, एंटर ईयर परसेंट डी के हिसाब से ईयर में ले लिया। अगर ईयर मॉड्यूलो 100 जीरो है, पहली चीज ये लगी, इफ ईयर मॉड्यूलो 100 जीरो है तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर ईयर मॉड्यूलो 400 भी जीरो है तो प्रिंट करा दीजिए लीप ईयर, नहीं तो प्रिंट करा दीजिए नॉट लीप ईयर। अगली कंडीशन में आप जाएंगे, यहाँ कोलन लगा हुआ है, वाई मॉड्यूलो 4 अगर ये जीरो है तो आप बोलेंगे लीप ईयर, नहीं तो नॉट लीप ईयर। ऐसे तीनों कंडीशन चेक हो जाएगी, 400 से 400 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर है। तो ये हमारी बात हुई आपके, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।